होली की खरीदारी करने के लिए आया था और मैंने काफी पिचकारियां देखी, लेकिन सबसे बढ़िया एनडीटीवी पिचकारी जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, ये लगी सबसे अच्छी लगी। और इस पे एनडीटीवी और रवीश कुमार जी का भी फोटो है जो लोगों को काफी प्रभावित करता है। और मैं सबसे अपील करूंगा किसानों से और मजदूर व्यापारियों से कि एनडीटीवी पिचकारी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लें, क्योंकि ये अच्छी है और साथ में एक भावना जुड़ी हुई है। जो देश का आवाज उठाने वाला चैनल है तो क्यों ना हम उसके नाम से अन्य ब्रांड यूज करें। सर, ये जो नई पिचकारी आई है इसके बारे में बताएं, कितनी डिमांड है इसकी, किस तरह कितने पीस आपने मंगवाए थे? अनूप जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। और आपने एनडी पिचकारी के बारे में पूछा, ये मैंने लगभग 250 से 300 के पीस मंगवाए थे। लगभग सभी की डिमांड इसी की है कि मेरे को एनडी वाली पिचकारी दी जाए। और सभी जमींदारों ने, भाइयों ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसकी डिमांड की। और इसके अंदर बहुत सारा दम है, अच्छी भी लगती है, चलाने में भी बहुत ही सहूलियत है, बच्चे भी चला सकते हैं, बूढ़े नौजवान सभी इसको चला सकते हैं। तो अब जो ग्राहक आ रहे हैं उसमें किस तरह की डिमांड है ज्यादा? इसकी डिमांड काफी है जी, हम डिमांड तो इसकी पूरी नहीं कर सकते, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाकर इसी को ही मैं मशहूर करूंगा। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से? मेरा नरेंद्र कुमार गर्ग, उकलाना मंडी, हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन का प्रधान। बाजार में बहुत सारी पिचकारियां आई हुई थी, आपने ये पिचकारी खरीदी, बताइए इसके बारे में। हम जब बाजार में पिचकारी लेने के लिए गए तो वहाँ पे हमने देखा कि ये एनडीटीवी के चैनल की एक पिचकारी आई हुई है, तो हमें ये बहुत पसंद आई, क्योंकि आजकल एक गोदी मीडिया के नाम से चला हुआ है तो, लेकिन ये एनडीटीवी चैनल ने किसानों की खबर बहुत अच्छी तरह से चलाई, इसलिए हमें बहुत पसंद आई।